अच्छा तो आज हम डिस्कस करेंगे हायर के इन्वर्टर फ्रिज के बारे में। ये इनकी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये ऑटोमेटिक वर्क करती है जैसे इन्वर्टर एसी हैं। ठीक है, इस फ्रिज के अंदर भी इन्वर्टर एसी वाली टेक्नोलॉजी को ही यूज़ किया गया। तो इसको जो कंट्रोल करने का जो पैनल है वो बाहर ही है, आप इसको बाहर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। जो पहले फ्रिज आती थी या फ्रीज़र आते थे उनके अंदर मैनुअल बटन लगे होते थे, इसको आप बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है टेम्परेचर जोन, और दूसरा ऑप्शन है टेम्परेचर सेट का, तीसरा फंक्शन सेट का, और चौथा है लॉक का। इसमें देखें 3 सेकंड का लिखा हुआ है, 3 सेकंड। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फ्रिज की रीडिंग आपके सामने आ गई है। डिजिटल फ्रिज मीटर लगा हुआ है इसमें, इसको आपने यहाँ पे 3 सेकंड के लिए उंगली को प्रेस करना है। ठीक है, तो ये अनलॉक हो जाएगी। टेम्परेचर जोन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगी कि ऊपर वाले हिस्से में कूलिंग जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड आ रही है, और नीचे वाले हिस्से में जो कूलिंग चल रही है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड आ रही है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ऊपर वाले हिस्से में इस टाइम कूलिंग कितनी चल रही है और नीचे वाले हिस्से में कितनी चल रही है। दूसरा है टेम्परेचर सेट का, यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तीसरा फंक्शन सेट है, इसमें कौन कौन सा फंक्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें स्टीरलाइजिंग, स्टीरलाइजिंग का मतलब यह है कि ये एंटी बैक्टीरियल होता है, जितने भी जरासीम या बैक्टीरिया होता है वो उसको ऑटोमेटिकली फ्रिज के अंदर क्लियर करता रहता है, जरासीम्स को किल करता रहता है। फंक्शन सेट पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन आएगा फ्यूजी का। ये पर्सनली तौर पे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शन है फ्यूजी का वो ऑटो कंट्रोल है। गर्मी है, मौसम हॉट वेदर है तो वो इसको तेज़ कर देगा, कोल्ड वेदर है उसको स्लो कर देगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहता है। ये मुझे सबसे इसमें अच्छा फीचर लगा है। दूसरा है पावर कूल का, इस पर रखेंगे तो कूलिंग जो है ना वो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग करेगा फ्रिज के अंदर, जो चीज़ें जो भी पड़ी उनको ज़्यादा ज़्यादा कूल रखेगा। तीसरा है फ्रीज़ का, जैसे कोई गोश्त वगैरह है या कोई और ऐसी चीज़ है जिसको आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप फ्रीज़ के पे ऊपर रख के उसकी सेटिंग करेंगे। फ्रीज़ वाले ऑप्शन पे फंक्शन सेट पे जाएंगे, फ्रीज़ के ऑप्शन पे इसको एडजस्ट करेंगे तो वो कूलिंग करेगा। और जैसे इसको प्रेस करेंगे, जैसे ही तीनों फंक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो ये सिंपल बन जाएगा आपके पास फ्रिज। ठीक, फिर आप टेम्परेचर पर सेट करेंगे तो ये देख रहे हैं ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका इस वक्त टेम्परेचर चल रहा है। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़, जो पहले फ्रिज होती थी वो जो है उनमें नंबर 1 से 7 की तरफ जाता था, जैसे 7 की तरफ जाता था तेज़ होता था। इसमें रिवर्स टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। ठीक, इसमें जैसे हम 2, 1 पे जाएंगे सबसे हाई होगा, और पहले वाली फ्रिज 1 पे सबसे लो होती थी और ये 7 पे सबसे स्लो होगा। तो इसका हम टेम्परेचर सेट कर लेते हैं जी, मैंने इसको 3 डिग्री पे रखा हुआ है, राइट। और उसके बाद फंक्शन सेट पे जाऊंगा, फूजी, आजकल ईद है तो मैंने इसमें गोश्त रखा हुआ है तो मैं चाहता हूँ जी वो फ्रीज पे रहे ताकि गोश्त ख़राब ना हो। एडजस्ट करने के बाद आप 3 सेकंड वाले लॉक पर क्लिक करेंगे, ठीक है जी, उसने इस फंक्शन को यहाँ पे लॉक कर दिया। तो ये तरीका कार है इन्वर्टर एसी को यूज़ करने का और इसकी सेटिंग करने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।